आजमगढ़ के देवगांव को कोतवाली क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर दहेज लोभी पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या के बाद पति ने अपने ससुर को फोन कर कहा कि तुम्हारी बेटी का काम हो गया, जिसके बाद मृतका के मायके में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति समेत तीन को हिरासत में ले लिया है। सवा छः बजे की घटना है। ये प्रज्ञा सिंह लड़की जो है, इसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। आज उसके पति ने, जैसा बताया जा रहा है, उसके पति ने ही गोली मार दी। उसके पिताजी भी आए हुए हैं, इनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी, तो इनके तबाद ने ये कहा था कि हमने उसका काम कर दिया, मैंने गोली मार दी। ससुर और सास और बेटे तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। FIR लिखी जा रही है, सभी को जेल भेजा जा रहा है।